नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। छोटे पर्दे का फेमस रियलिटी शो द कपिल शर्मा शो के तो शायद ही कोई दीवाने नहीं होंगे। शो के हर नए एपिसोड का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं बॉलीवुड की शायद ही अब कोई फिल्में आती होगी और उसके प्रमोशन के लिए फिल्म के स्टार कास्ट कपिल के शो में प्रमोशन के लिए नहीं जाते होंगे। लेकिन अब कपिल के शो में इसी प्रमोशन को लेकर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल कपिल के शो में ये गंभीर आरोप लगाने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक्स कहे जाने वाले केआरके हैं। केआरके बॉलीवुड को लेकर अक्सर विवादित ट्वीट्स करते रहते हैं। वहीं केआरके ने अपने निशाने पर अब कपिल शर्मा शो को ले लिया है। केआरके ने अब द कपिल शर्मा शो को लेकर एक बड़ा ही विवादित ट्वीट कर दिया है, जहां ट्वीट करते हुए केआरके ने लिखा है कि थैंक गॉड डबल एक्सएल फोन बूथ जैसे फिल्मों की टीम अपने फिल्म को हिट कराने के लिए कपिल शर्मा शो पर गए थे, लेकिन ये सभी फ्लॉप हुई। कश्मीर फाइल्स की टीम इस शो पर नहीं गई थी और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। असल में एक्ट्रेस अपने फिल्मों को बर्बाद करने के लिए कपिल शर्मा शो को टीआरपी देने जाते हैं। वहीं गौरतलब है कि केआरके जब कभी भी इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं तो कई यूजर्स की तरफ से उन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ता है। वहीं इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां केआरके के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि ट्रिपल आर की टीम भी कपिल शर्मा शो पर गई थी, लेकिन ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर निकली। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि वो फिल्म प्रमोट करते हैं हिट और फ्लॉप नहीं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब केआरके को अपनी ट्वीट पर यूजर्स के इस तरीके की खरी खोटी सुनने को मिलती है, बल्कि केआरके अधिकांश इसी तरीके के ट्वीट करते रहते हैं जिस पर उन्हें कई बातें सुननी पड़ती हैं। वहीं केआरके के इस तरीके के विवादित ट्वीट के लिए उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन केआरके के इस ट्वीट से आप कितना सहमति रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, अभी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब के केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।